एक समय की बात है, समुद्र के किनारे कई मछुआरा झोपड़ी बनाकर अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात है, मछुआरा अपना नाव निकालता है और बीच समुद्र की ओर मछली पकड़ने के लिए जाता है कि अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। यह मछुआरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह नाव को किनारे की ओर कैसे ले जाए, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज हमारे जीवन की आखिरी दिन है। तब अचानक मछुआरा को आग जलता हुआ दिखाई दिया और उसी आग को देखकर अपने नाव को समुद्र के किनारे लाया। इसके बाद जब मछुआरा अपने झोपड़ी तक पहुंचता है कि उसकी पत्नी जोर जोर से रो रही थी। जब मछुआरा अपने पत्नी से पूछती है तो उसकी पत्नी बोलती है कि हमारे झोपड़ी में आग लग गई, अब हम कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे। तब उसका पति बोलता है कि पगली, इसी झोपड़ी में आग लगने के कारण आज हमारा जान बचा है, नहीं तो आज हम जिंदा आपके पास नहीं होते। अगर आपके ज़िंदगी में कोई घटना होता है तो ये सोचना कि कोई बड़ी मुसीबत से आज हमें परमपिता परमेश्वर हमें बड़ी घटना से बचाया है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छूता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।